हाय गाइस, मेरा नाम है सुमन शुक्ला। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक इंस्टेंट दही की ग्रेवी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपना दही का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। ये मैंने दो बोल दही लिया है। इस तरह इतनी गाढ़ी दही होनी चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ी सब जितनी भी मेरे सूखे मसाले हैं मैं डालूंगी, जैसे कि ये एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच धनिया पाउडर और दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए और ये आधा चम्मच गरम मसाला और ये है जीरा और काली मिर्च का पाउडर, ये डालूंगी इसमें और ये आधा चम्मच बेसन। ये सारे सूखे मसाले डाल के हम दही को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इससे ये होगा ना कि जब हम दही को डालेंगे तेल में तो ये फटेगा नहीं, इसीलिए हमेशा कभी भी दही की ग्रेवी बनाते समय आप इसको अच्छे से मिक्स करके रख दीजिएगा। अब मैं पैन गरम होने के लिए रख दिया, इसमें दो चम्मच तेल डालूंगी। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं इसमें ये आधा चम्मच राई का पाउडर, राई है, राई हमारा चटकने लगेगा तो मैं जीरा डालूंगी। देखिए हमारा राई चटकने लगा है, अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। इसे थोड़ा सा इसे हिला के अब मैं इसमें एक मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने बहुत ही फाइन चॉप किया है, ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। अब मुझे प्याज को थोड़ा भुनना है, थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। ये देखिए मेरे प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं यहाँ पे एक चम्मच गार्लिक पाउडर, एक चम्मच जिंजर पाउडर और एक चम्मच ये है हरी मिर्च, इन सबको मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है, एकदम बारीक पेस्ट नहीं किया है, तो इसका हमारे ग्रेवी में एक चम्मच आएगा मुंह में तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि आप भी इसको इसी तरह मोटा मोटा कूटिए। अब इन सबको मैं एक मिनट के लिए भूनूंगी ताकि इनका कच्चापन निकल जाए, इन्हें ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए अभी मेरा मसाला अच्छी तरह से भुन गया, इनका कच्चापन निकल गया। अब इसमें मैं हींग डालूंगी, अ पिंच ऑफ हींग, इसका बहुत ही बढ़िया दही के ग्रेवी में ना इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसालों की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हमने जो दही का मिक्सर बना के रखा था डालेंगे, बस इसी तरह, इससे ज्यादा मसाले को भुनना नहीं है। अब मैं इसमें दही का मिक्सर डालूंगी, इसे लो गैस पे मैं दो मिनट तक अच्छे से पकाऊंगी। इसे लगातार चलाते हुए ही बनाना है, नहीं तो हमारी दही फट सकती है, इसलिए कंटिन्यूअस बॉईल आने तक इसी तरह चलाते हैं। ये देखिए मेरी ग्रेवी में बॉईल आना शुरू हो गया। अब इसमें मैं स्वादानुसार नमक डालूंगी, इसे मिक्स करके गैस का आंच धीमी कर लूंगी और इसे मैं दो मिनट के लिए सिमर करने के लिए छोड़। ये देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है, इसमें सारा तेल मसाला एक्साइड हो गया है। अब मैं इसमें एक चॉप लगा के दिखाती हूँ आपको। तड़के इतने ज्यादा कुछ नहीं करना, तेल एक चम्मच गर्म होने के लिए रखा, इसमें कश्मीरी मिर्च डाल दिया, गैस ऑफ और ये देखिए तड़का रेडी। अब मैं इसे ऊपर से डाल दूंगी, बस में तो ये जल जाएगा। इसी तरह से डाल के हल्का सा मिक्स कर दूंगी। ये देखिए हमारी ग्रेवी बनकर रेडी है, ये बहुत ही टेस्टी बनी है, इसका कलर भी उतना ही सुंदर आया है। आप इसे बहुत सारी सब्जियों के साथ खा सकते हैं, जैसे कि मशरूम, भिंडी, कैप्सिकम और किसी भी फ्राइड चीज के साथ आप इसे एक डिप की तरह भी यूज कर सकते हैं और फ्रिज में इसे 8 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, कैसा लगा बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।